दोस्तों दो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे, उसका नाम है अंगारा और बॉक्साइट टक्कर। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है अंगारा और भूतों का राजा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी इसको पढ़ना, तभी स्टोरी पूरी समझ में आएगी। ये यहाँ पर जो स्टोरी है पर ये इसके पहले पार्ट की है, तो ये आप पढ़ लेना पहले पार्ट में। वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, अंगारा का फोल्डर होगा उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। अंगारा जमीन में गड़ा था और केवल उसका सिर बार था। मित्रों, यह एक विकट परिस्थिति है। हम तुम सब मिलकर भी मेरे चारों तरफ की जमीन नहीं खोद सकते, क्योंकि भूतों का राजा मुझे तंत्र मंत्र से बांध कर गया है। इसे वही काट सकता है, वह बैल के जबड़े में कैद है स्वामी। पहली बात तो यह है कि वह बैल के जबड़े में अधिक देर तक कैद नहीं रह सकता। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आओ। आप क्या कहते हैं? उसने आपका इतना अपमान किया है और आप उसका सम्मान करेंगे? अंगारा के सिर में लोमड़ी का दिमाग था। वह इस कोटे को चालाकी से निकालना चाहता था। हाँ, आखिर पता तो चले कि वह हमारे द्वीपवासियों से रुष्ट क्यों है। जाओ जटायु, भूतों के राजा को लेकर आओ। जो आ गया स्वामी। भूतों का राजा बोक्सा बैल के जबड़े में था। अब जरा इस बैल की नरम गिरदेदार जीभ पर लेटकर थकान मिटाता हूँ। देखता हूँ अंगारा जमीन से बाहर कैसे निकलता है। जटायु बैल के पास पहुंचा। बैल रानी, उस शैतान कंगाल को बाहर करो, मैं उसे लेने आया हूँ। अभी लो, जैसे बैल ने बोक्सा को जबड़े से बाहर फेंका, जटायु ने उसे पकड़ दिया। मैं वहां आराम कर रहा था, अब क्या मुझे तेरे पंख उतर करने होंगे? मैं जटायु हूँ, हजारों साल से पृथ्वी पर हूँ और तेरे जैसे कई भूतों को खाकर जिंदा रहा हूँ। लो स्वामी, ले आए इस भूतों के राजा को। हे भूतों के राजा, अब निश्चय कोई बहुत बड़ी देवी शक्ति है। अवश्य अंगारा द्वीप वासियों से कोई भूल हुई होगी, अन्यथा आप इतने रुष्ट न होते। ओ, तो तुमने मुझे बुलाया और लड़ोगे मुझसे? हा हा हा, हो गई अकड़ ढीली। हे राजाओं के राजा, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा मांगते हैं, और अगर पाए तो वन्य प्राणियों को भी क्षमा कर दे। मुझे तो बताया गया था कि तू बड़ा घमंडी है और मारकाट मचाने वाला है। आपको यह सब किसने बताया? यह नहीं बताऊंगा। अब बताइए महानुभाव, कि आपने हमारे द्वीप में पधारने का कष्ट कैसे किया? क्या तू मेरे कष्टों का निवारण करेगा बालक? अवश्य महानुभाव, तो फिर मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद मैं सबको क्षमा कर दूंगा। आप शर्तें बताइए। जब मैं इस द्वीप पर आया तो मुझे तेरे जानवरों ने घेरने की कोशिश की, मुझ पर आक्रमण किया। केवल एक जानवर ऐसा था जिसने मेरा आदर सत्कार किया, और जानवर को भी ऐसा करने के लिए कहा था, किंतु दूसरों ने ऐसा कर नहीं किया। इसलिए सुनंगारा, जिसने मेरा आदर किया वह इस देश का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि उसने आदर सत्कार के समय मेरा आशीर्वाद ले लिया था। तूने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैं तुझे उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तू उसका सेवक बनकर रहेगा। किंतु वह कौन है? भूतों के राजा बोक्सा शेर। बोक्सा, इसका मतलब मेरा शक सही है। बोक्सा है शेर और भूतों का राजा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बोल, क्या तुझे यह सब मंजूर है? मंजूर है, किंतु यह दंड कितनी अवधि तक होगा? जब तक बोक्सा चाहेगा वही तुझे दंड से मुक्त करेगा। मुझे मंजूर है भूतों के राजा। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो बोक्सा की एक पुकार पर मैं प्रकट हो जाऊंगा और अगली बार तुम्हें समूचा धरती में गाड़ दूंगा। हे राजाओं के राजा, मैं आपको दिया वचन नहीं टालूंगा। मैं आपसे बैर नहीं लूंगा, क्योंकि तो मैं बैर का परिणाम जानता हूं। तो फिर मैं तुम्हें अभी जमीन से बाहर निकालता हूं। भूतों के राजा बोक्सा की एक ठोकर जमीन पर पड़ते ही निश्चय इसने मुझे मंत्र शक्ति से बांधा हुआ था। ठाक, हे भूतों के राजा बोक्सा कहाँ है? मैं अभी बोक्सा के गले में हाथ डालना चाहता हूँ। बोक्सा भोर की पहली किरण के साथ कल दरबार में आएगा, और तुम दरबार में ही उसका स्वागत करके उसे प्रधानमंत्री भी घोषित करोगे। अब मैं चलता हूँ भूतों के राजा के जाने के बाद। हे देवता अंगारा, ये आपने क्या कर दिया? अपना राज्य बोक्सा को दे दिया। हम बोक्सा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी खालें भूसा भर देंगे, हम हड़ताल करेंगे। मित्रों देखो, अब मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए तुम सबको धैर्य से काम लेना होगा। सारे जानवर दुखी होकर चले गए। आपने इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल दिए? ग्रेट सर, इसे हथियार डालना नहीं कहते सुजुकी, यह बस मेरी एक चाल है, और भूतों का राजा मेरी चाल में फंस गया। अब तुम भी मेरी योजना पर अमल करो।
तभी गुप्तचर अबू वहां पहुंचा। तुमने क्या देखा मेरे जासूस? बॉक्सा शेर अपनी गुफा से गायब है ग्रेट सर। वह गुफा में गया, उसके बाद गुफा से बाहर निकला भूतों का राजा कंकाल। मैं गुफा की निगरानी करता रहा, फिर काफी देर बाद मैं अंदर गया तो गुफा खाली थी और गुफा से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जाओ अबू, उसी गुफा में छिप जाओ, शायद बॉक्सा रात को आएगा। अबू गुफा की ओर उड़ चला। बॉक्सा शेर का भूतों के राजा से क्या संबंध है यह पता लगाना जरूरी है, और यह भी कि उसके पीछे क्या किसका षड्यंत्र है। उधर चार्ली बॉक्सा की गार में हठयोग कर रहा था। मारण तारण सारण अंगारा हो जाए भसम, जय भूतों के राजा की। तभी, अरे अठी बालक, तेरी मुराद पूरी हो गई है। हैं भूतों के राजा, हे बॉक्सा बाबा, क्या आपने मुझे वरदान दे दिया? वरदान तो तुझे पहले ही दे दिया था, मेरी तो यह व्यवस्था है बालक कि मेरे शिकार में अगर कोई मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे खाली नहीं लौटाता। क्या मुझसे पहले भी कोई आया था यहाँ? इस जहरीली गैस की कार में कौन आ सकता है बालक? तू जैसा ठीक बालक ही आ सकता है। अब तुझे मेरे साथ अंगारा द्वीप चलना होगा। अंगारा द्वीप में तो हर तरफ मेरे शत्रु हैं, अब अंगारा तेरा सेवक होगा। बालक, यही वरदान तो मांगा था तूने, चल अंगारा द्वीप। दोनों अंगारा द्वीप के लिए उठ चले। अरे बालक, तू तो सचमुच विलक्षण शक्ति वाला है, सब आपकी कृपा बोक्सा बाबा। सूर्य ढलने से पहले दोनों अंगारा द्वीप की गुफा में आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद रात होते होते ही मेरी सुपर पावर समाप्त हो जाती है और अब रात हो ही गई है। अब मैं बॉक्सा शेर बनूंगा, तू कर राज्यसभा में प्रवेश करेगा, मेरी योजना समझ ले बालक। गुफा में छिपा अबू सब देख सुन रहा था। अबू चुपके से गुफा में से निकलकर अंगारा के पास पहुंचा। गजब हो गया ग्रेट सर, क्या हुआ? चार्ली भूतों का राजा बॉक्सा, उसने सारी देखी सुनी बातें अंगारा को कह दी। दूसरे दिन अंगारा द्वीप की राज्यसभा में, मैं बॉक्सा शेर अपना हक मांगने आया हूँ। आइए आइए महानुभाव, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मित्रों इनका स्वागत किया जाए। बॉक्सा को अंगारा की जगह पर बिठाकर उसे पुष्प हार पहनाया गया। अब आप अंगारा द्वीप के प्रधानमंत्री है और अंगारा आपका दास है, है? बिना चुनाव लड़े ही मामला पार हो गया। अब हम देश चलाएंगे और सब मेरे हुक्म का पालन करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं, मुझ पर प्रधानमंत्री का हुक्म नहीं चलता। किंतु हमारे संविधान में ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री का आदेश मानना होगा। मेरा त्याग पत्र ले लो, मैं चला यहाँ से। तभी सावधान चार्ली आ रहा है, आज हम अंगारा से उसकी राज्यसभा में बात करेंगे। चार्ली चार्ली, अंगारा का दुश्मन? चार्ली हमारा मित्र है और तुम सबको इसका सम्मान करना होगा। ये हम पर कैसे कैसे कानून लागू हो रहे हैं, अब हमें चार्ली को भी बर्दाश्त करना होगा। मित्र बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने गले में दो खोपड़ियां लटकाना चाहता हूँ, एक खोपड़ी टांगने से बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी खोपड़ी टांगना चाहते हो? मैं तो अंगारा की खोपड़ी लटकाना चाहता हूँ, किंतु अंगारा का सिर काटने के लिए उस पर जुर्म साबित करना होगा। तो अब इस पर प्रिंस टुम्बा की हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तभी बॉक्सा शेर मुर्दाबाद, तान्या शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह राज्यसभा के बाहर नारे कैसे गूंज रहे हैं? हे प्रधानमंत्री, अंगारा द्वीप के सब नागरिकों ने राज्यसभा का घेराव कर लिया है। क्यों? आप खुद उनकी यूनियन के लीडर से बात कर ले। हड़ताल करने वाले जानवरों का नेता राज्यसभा दाखिल हुआ। मैं बॉक्सा विरोधी संघर्ष समिति का नेता हूँ, हमने तय किया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती राज्यसभा का घेराव रखा जाएगा। हमारी पहली मांग यह है कि बॉक्सा शेर तुरंत प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देकर प्रधानमंत्री का चुनाव कराए। हमारी दूसरी मांग है कि बॉक्सा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, गिरफ्तार कर लो इस नेता को। बालों का साथ देने बाघ भी आ गए। खबरदार, अगर हमारे नेता को किसी ने गिरफ्तार किया, हम किसी को यहाँ से बाहर निकलने देंगे। ऐ सेवक अंगारा, इन्हें बताओ कि हमें यह गद्दी तुमने अपनी इच्छा से दी है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंगारा देवता को अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को प्रधानमंत्री बनाए, यह अधिकार हमारा है। सेनापति सुजुकी, हमारी सेना क्या करिए, इन्हें मार लगाई जाए। सेना ने भी बगावत कर दिया महोदय। बोलो, मानते हो हमारी मांग या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं।
भाई उस देशद्रोही पर जन अदालत में मुकदमा चला जाए और इसका मुंह काला करके दीप में घुमाया जाए। चार्ली, लगता है इनमें से कोई इनको सबक नहीं सिखा सकता। चलो यह काम तुम करके दिखाओ। अभी दो प्रधानमंत्री जी, चार्ली ने जानवरों को पीटना शुरू किया, लेकिन उसी वक्त अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला चार्ली, चाहे तो अपनी शक्ति से मुझे उड़ा ले जा। जटा अंगारा जटायु से कहो कि चांदी को छोड़ दे, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं इसलिए कोई मेरी बात नहीं मानेगा। बोक्सा शेर मुद्दाबाद, मुद्दाबाद बोक्सा का मुंह काला किया जाए। अंगारा मुझे इन बलवाइयों से बचाओ। अब मैं प्रधानमंत्री नहीं, राज श्रीमान एक साधारण नागरिक हूँ इसलिए इनमें से कोई मेरी बात नहीं मानेगा। पूरी कौम बगावत पर आमाद है। बाप रे, अब क्या होगा? बिना कंकाल का रूप धारण किए मैं दूसरा रूप भी नहीं बदल सकता, और कंकाल रूप में मेरी शक्तियां विद्यमान है। शेर के रूप में तो केवल मैं शेर ही हूँ, और मैं अपने वास्तविक रूप में उसी स्थान पर जाकर लौट सकता हूँ जहां से मैं रूप बदलता हूँ। ये पगला जानवर मुझे उस गुफा तक नहीं पहुंचने देंगे जहां मैंने रूप बदला था। अब चल तो आकाश पर जटायु से लड़ रहा है, उस तक मेरी आवाज तक नहीं पहुंच पाएगी, अन्यथा वह कुछ कर सकता था। देखते देखते सारे जानवर बोक्सा शेर पर टूट पड़े। इसका मुंह काला करो, खाल उतार दो, मारो मारो, इनकलाब जिंदाबाद, इसे अदालत में ले चलो। जज साहब, यह अंगारा द्वीप की नागरिक अदालत है। बोक्सा पर देशद्रोह का जुर्म साबित होता है, इसने अंगारा द्वीप में बगावत करवाने की कोशिश भी की, ऐसे देशद्रोह को सजा दी जाए। हमने मुकदमा सुन लिया, इसकी सजा मौत की मौत, इसे फांसी लगा दो। मान गए ग्रेट सर, इस बार तो आप केवल दिमाग से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो सुजुकी बोक्सा को फांसी लग रही है। फांसी लगते बोक्सा शेर मर गया, लेकिन अचानक है यह क्या हुआ? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? आबू जासूस तुरंत गुफा में पहुंचाओ। गुफा में मेरी एक मृत्यु हो गई है, अब मैं कभी शेर नहीं बन सकता। उधर चार जटायु से लड़ भिड़ कर जमीन पर उतरा। बोक्सा मर गया चार्ली? क्या, बोक्सा मर गया? अब चार्ली पर भी मुकदमा चला जाए, बोक्सा कैसे मर सकता है? वह तो हजारों सालों से जिंदा है, मुझे गुफा में पहुंचना चाहिए। चार्ली गुफा की ओर उड़ चला, भाग गया कायर। चार्ली गुफा में पहुंचा। बोक्सा बाबा, आप तो जिंदा है, फिर वह किसके मरने की बात कर रहे थे? मेरी एक मृत्यु हो गई है, अब मैं कभी शेर नहीं बन सकता। क्या फर्क पड़ता है, कोई दूसरा जानवर बन चाहिए। अरे बालक, यदि मेरी इसी प्रकार 10 बार मृत्यु हो गई तो फिर मैं अपना यह शरीर भी गंवा दूंगा और मेरी सब शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। मरने से पहले आपने अपना रूप क्यों नहीं बदल लिया? मजबूरी तो यही है कि मैं उसी जगह रूप बदल सकता हूँ जहां से यह क्रिया शुरू होती है। मुझे उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने ही नहीं दिया। मैंने 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद एक शक्ति प्राप्त की और मेरे पास 10 शक्तियां हैं। एक मृत्यु पर एक शक्ति समाप्त होती जाएगी। तो क्या आपने अंगारा से हार मान ली बाबा? अंगारा से नहीं, अंगारा तो मेरा सेवक बन ही गया था। यही तो आपकी भूल है, वह बड़ा चालबाज है, उसी ने आपको मरवाया होगा। हे बालक, मैं अधिक समय तक अपने घर से बाहर नहीं रह सकता। भारी वायु में विचरित करने से हमारी एकाग्रता भंग होती है, जिससे हमारी शक्ति का ह्रास होता है। किंतु मुझे आपने आशीर्वाद दिया था कि आप अंगारा को मेरा गुलाम बना देंगे। मैं ये वचन पूरा करके वापस लौट जाऊंगा। ठीक है, मैं भी लंबे चक्कर में नहीं पड़ूंगा, उसे गुलाम बनाते ही उसका सिर काट दूंगा। तथास्तु, कल तुम मेरे साथ राज्यसभा चलोगे। आबू छिपकर सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद आबू ने सारी बातें अंगारा को बता दी। अब मुझे सारा खेल दिमाग से खेलना होगा। बोक्सा कोई मेरा परंपरागत शत्रु नहीं है, और कुछ भी उसके भीतर जानवरों की शक्ति भी विराजमान है, इसलिए भी वह शत्रु की श्रेणी में नहीं आता। यह कोई शैतानी ताकत नहीं है, इसलिए मित्रता की नींव रखनी चाहिए। अंगारा ने सुजुकी से गुप्त मंत्रणा की। तुम्हें याद है सुजुकी, एक बार मैंने बुलडॉग को धोखा दिया था और वह मुझे मरा हुआ समझ बैठा। अब वही धोखा चार्ली को देना जरूरी हो गया है। मैं इसी चाल चलना चाहता हूँ कि बोक्सा का भी मुझसे बैर खत्म हो जाए और चार्ली का किस्सा भी तमाम हो जाए। वह कैसे? सुनो मेरी योजना। खुशर खुशर समझे, हाँ बड़ा मजा आएगा। दूसरे दिन सुबह, भाइयों आपने बोक्सा शेर को दंड तो दे दिया, किंतु अंगारा को क्यों समा कर दिया? जो प्रधानमंत्री एक देशद्रोही को अपने पद पर आसीन कर दे वह भी गुनहगार है।
और ऐसे गुनहगार की सजाए मौत। चलो अंगारा को गिरफ्तार कर लो। सारे जानवर अंगारा पर टूट पड़े। बेईमान, गद्दार, बेवफा, देशद्रोही, मक्कार, अंगारा तूने मुझे मार मार कर गुलाम बनाया था, देख आज तुझे सबका हिसाब देना होगा। उसी वक्त चार्ली और बोक्सा वहां पहुंचे। कमाल है, इन सब ने तो अंगारा का एक कीमा बना दिया। लगता अंगारा द्वीप पर ग्रह युद्ध छिड़ गया है। आज श्याम डरते ही अंगारा को फांसी लगा दी जाएगी और उसका सिर काट दिया जाएगा। तभी हे, मैं तुम्हारे साथ हूँ सजुकी, इसका कटा हुआ सिर मुझे दे देना। किंतु सिर तो रात को काटा जाएगा, क्या तुम अंधेरे में ही हारोगे? अरे तुम मुझे कटा हुआ सिर सुबह दे देना। लेकिन तुम्हारे दिमाग ने के यह क्या पलटा खाया? अंगारा ने मुझे अमेरिका में मारकर गुलाम बना दिया था। मेरे मन में बहुत दिनों से बदला लेने की थी। बॉक्सर शेर की मौत में अंगारा का नहीं, मेरा हाथ था। मैं इस तरह थी, मैं दो से दो शिकार खेलना चाहता था। एक तो जन जागृति और उसके बाद अंगारा को भी मुजरिम बनाकर सत्ता प्राप्त करना। अब मैं अंगारा को इतना वक्त नहीं देना चाहता कि वह कोई चाल चल दे, इसलिए आज रात उसका सिर काट दिया जाएगा। वैसे मुझे देना न भूलना सजुकी। चार्ली और बॉक्स अपनी गुफा में लौट आए। अब तो मामला अपने आप ही पक गया। सारा काम सजुकी ने ही कर दिया। अब तुम अंगारा का सिर काट कर ले जाओगे तो मैं सजुकी का सिर काट कर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सजुकी ने बॉक्सा शेर को मरवाया और अंगारा मेरी वजह से मर रहा है। ये बालक चार्ली, अगर मैंने तुझे वरदान नहीं दिया होता तो मैं यह अन्याय हरगिज नहीं होने देता। अब तुम बाद में चाहे जो करना बॉक्सा बाबा, पहले अपना काम होने दो। गुफा में छुपे हुए अबू ने सारी बातें सुन ली। और श्याम होती, क्या समाचार अबू? सब ठीक है स्वामी, बॉक्सा को पछतावा हो रहा है। चार्ली ने बड़ी बेताबी से करवटें बदल बदल कर रात बिताई। कब सुबह होगी? और सुबह होते हुए सुजुकी के पास पहुंचा। लो चार्ली, यह रहा अंगारा का सिर। वाह, जय हो प्रिंस टुम्बाकी, अब मैं चला, मैंने बदला ले लिया। यह खबर मिलते बॉक्सा वहां आया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने बॉक्सा शेर को तो मारा, मेरे सेवक का सिर भी काट दिया। मैं तेरा सिर काट कर ले जाऊंगा। ठहरो बॉक्सा बाबा, मैं जीवित हूं। है तो वह सिर नकली था बाबा, वह एक बॉम्ब था जो चार्ली के टुकड़े हवा में बिखेर देगा। उधर हवा में बम फट गया। ब्रॉम, आपसे हमारा आपसे कोई बैर नहीं बॉक्सा बाबा, और सजुकी तो वह सब कर रहा था जो मैंने उसे समझाया था। वह भी मेरी तरह आपका सेवक है। हे बहादुर बालक, तू सचमुच जानवरों का रक्षक है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बोल, क्या मांगता है? केवल आपका आशीर्वाद। जा, तेरा कल्याण हो, तेरी टक्कर का धरती पर कोई न हो। बॉक्सा बाबा हवा में विलीन हुआ। अंगारा देवता जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये कॉमिक सिंह पे समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट है अंगारा और चांदी का भूत। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।